दगहा थाने की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी द्वारा कूटरचित वीजा व टिकट देने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गगहा पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी पहचान प्रमोद कुमार उर्फ सूरज बजाज उर्फ प्रवीण चौधरी पुत्र चतरपाल निवासी मकान नंबर 308 बागोवाली थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर, दूसरा शिवानी उर्फ सलमा कोल पुत्री श्यामलाल निवासी ग्राम पिंडरा थाना मझगावा जनपद सतना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है, जो कि धोखाधड़ी द्वारा कूटरचित तरीके से विदेश भेजने का काम करते थे। इनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, विगत दिनों थाना गगहा जनपद गोरखपुर पुलिस को एक गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली थी। ये गैंग लोगों को वीजा बना करके उपलब्ध कराने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करता था। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। महिला पहले कॉल सेंटर की तरह से उसको कॉल करती है और जब व्यक्ति विश्वास में हो जाता है तो फिर उससे ये पैसे ठग लेते हैं और उन्हें नकली वीजा उपलब्ध करा देते हैं। इस गैंग के विरुद्ध 3 अभियोग पहले से पंजीकृत है। इसमें प्रमोद कुमार नाम का एक व्यक्ति, जो सूरज बजाज के नाम से लोगों से मिलता था और उसी नाम से काम करता था, और उसकी मुख्य सहयोगिनी शिवांगी उर्फ सलमा नाम की महिला है, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। 2 इन साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में थाना गगहा पुलिस को सफलता मिली है और विवेचना से पाया गया कि इनका एक गिरोह है जो लोगों को धोखा दे करके उनसे धन उगाही करता है। इस आधार पर इनके विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। इनकी संपत्ति की भी जानकारी करके अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।